Where are you from? I'm from India. India, oh, namaste. Namaste, namaste. Yeah, apna three girls. How are you? Perfect, you? I'm good. Motor lag raha hai. 250 ज्यादा ले ले लेकिन उतार दिया। वेल हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि जो थाईलैंड है वो कितना महंगा है हम इंडियंस के लिए। और दोस्तों आज मैं इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूं जेम्स बॉन्ड आइलैंड। एंड जैसे कि लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा फिफी आइलैंड वाला, सेम काइंड ऑफ आइलैंड ही है। एंड इसमें हम डे टूर करने वाले हैं, तो सबसे पहले करते हैं हम नाश्ता, उसके बाद मैं आपको देता हूँ सारी अपडेट। तो दोस्तों ऐसे मतलब जो सेटल में हमको लेके आए हैं और अभी चलते हैं अंदर नाश्ता करने। नाश्ते फ्री रहता है, मतलब ये आपको बैंड मिलता है तो ये दिखा के आप फ्री में मतलब कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे। सो गाइस नाश्ता मैंने कर लिया है और नाश्ते में इतना कुछ खास था नहीं, जस्ट जूस और आपका सैंडविच, उससे ज्यादा कुछ मिला नहीं यहाँ पर। जैसे फिफी आइलैंड में हमने थोड़ा सा बनाना वगैरह और ऑप्शन काफी सारे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं। बाकी जो पीछे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कहाँ पे कैसे, वो सारी चीजें मुझे पता है बिकॉज ऑलरेडी मैं फिफी आइलैंड कर चुका हूँ। आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि जेम्स बॉन्ड आइलैंड, आप 1975 में एक मूवी आई थी द गोल्डन जेम्स बॉन्ड, और आज हम वो आइलैंड कवर करने वाले हैं इस व्लॉग में। तो मजा आने वाला है एंड काफी सारे और आइलैंड भी होंगे, तो इस व्लॉग में प्लीज बने रहिए और एंड तक देखिए। तो दोस्तों आज हम जाएंगे सबसे पहले पनांग आइलैंड, उसके बाद आइसक्रीम आइलैंड, और उसके बाद जाएंगे होंग आइलैंड, और फिर जाएंगे हम खाओपिंग आइलैंड, और उसके बाद जो लंच होगा हमारा वो होगा आपका पानी आइलैंड में। तो गाइज अभी जाने के लिए पूरी तैयारी हो गई है और जेम्स बॉन्ड आइलैंड वाले जितने भी हैं सारे चलने के लिए तैयार हैं। तो गाइज अभी चलते हुए, और ये अपनी आज की बोट रहने वाली है, पता नहीं कौन सी वाली, शायद सेकंड वन, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बाकी जैसा भी रहेगा देख के बताते हैं अंदर से। तो दोस्तों आ चुके हैं अभी अपनी फेरी में और रेडी हैं। बाकी ज्यादा बहुत बड़ी है नहीं, जो फिफी आइलैंड वाली फेरी थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। ऑलमोस्ट 9:30 बज गए हैं, तो बाकी निकलते हैं अभी। गाइस जो फेरी है वो बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब स्पेस बहुत ही कम है। एक तो होता है कम और एक होता है बहुत ज्यादा कम, एंड कंजेस्टेड रहने वाला है मतलब जो अपना ट्रिप है। तो गाइस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब तो जो फिफी आइलैंड वाला तो कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पे बम्पी है ना भाई, डर इतना लग रहा है कि बस बता नहीं सकता। और मतलब छोटी सी फेरी है और इतना ज़्यादा पानी का जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा डरावना है। तो दोस्तों अभी हमें पनांग आइलैंड पे, एंड यहाँ पे जो पानी है भाई तब अभी जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है, अदरवाइज इतना ज़्यादा स्कैरी था, जो इतना ज़्यादा पंपी डंपी भाई साहब। फिफी आइलैंड गए थे हम लोग, बट इतना ज़्यादा कुछ स्कैरी नहीं था, बट यहाँ पे आते थे मतलब एक तो बोट है ना, जो यहाँ की स्पीड बोट है बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसकी वजह से डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। एंड जैसे तैसे करके पहुँच तो गए, अभी इसके बाद एक और आइलैंड जाएंगे एंड देन उसके बाद लंच वगैरह करेंगे। बाकी अभी स्टार्ट करने वाले हैं आगे के लिए और चलने वाले हैं आगे की तरफ। तो गाइस अभी मुझे जो है पारी भेज दिया है, बोल दिया कि कैप्टन हो, और ये अपना थ्री गर्ल, हाउ आर यू? आप गुड गाइस, हमें ये देख गया है आई डोंट नो क्यू, और अंदर जाने वाले हैं अभी बाय वॉक, और बाय वॉक जाने के बाद है ना यहाँ से थोड़ा सा शायद एक्टिविटी वगैरह होगी, जितनी हमें ये ऐसे ही नहीं दिया गया, आपका तो दिया नहीं गया था। एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक और बोट खड़ी थी, और ये एक इधर भाई, ये तो बड़ी है लेकिन हमारी तो एकदम छोटू सी है, बिल्कुल छोटू सी। गाइस अभी निकलते हैं बाहर और पहनते अपनी स्लीपर, जो हमारी स्लीपर उतरवाई थी, तो अभी इसमें से निकल चुके हैं अपनी बोट से, और अभी केव के अंदर चल रहे हैं, और हमें हेलमेट वगैरह पहना दिए गए हैं। बाकी भाई साहब स्केरी तो है, आई डोंट नो अंदर होने वाला क्या है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें यहाँ पे केव है, एंड थोड़ा सा बैंड होके जाना पड़ता है लाइक ये सर में बिल्कुल, इसलिए ये हेलमेट दिए गए थे, अभी समझ आ रहा है, बिल्कुल एकदम अंधेरा है यहाँ पर।
आयर जो कि ऐसे दिखती है मतलब इधर से और स्केरी है। बाकी चलते हैं अंदर की तरफ और ये इस तरह से सॉलिड है एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये रॉक निकले हुए हैं, ये एकदम सॉलिड है इस तरह से और बहुत देख संभल के चलना पड़ता है। ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों ऊपर से और ये मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे केव है तो कहीं कहीं मतलब ऊंचे नीचे भी है। तो गाइस बिना जो यहाँ पे है ना लाइट के कुछ नहीं है, मतलब आपकी फ्लैश लाइट जली हुई होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे ऐसा केव है और केव के बाद ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है यहाँ से, जस्ट कि ये भी हो देखने के लिए यहाँ पे 15-20 मिनट के लिए बाते हैं और बस इतना ही कुछ था यहाँ से और अभी चलते हैं वापस। सभी लोग फोटो और पिक्चर लेने में लगे हैं बिल्कुल, मतलब इन्हें ही नहीं पता आगे जाके इन्हें ऐसा कुछ देखने के लिए ज्यादा मिलेगा नहीं। ओह वाह दैट लुक्स क्लासी ब्रो। तो गाइस अभी ये केव वाला हो गया है एंड अभी हम जाने वाले हैं लॉन्ग आइलैंड करके एक जगह है, यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेंगे तो अभी निकलने वाले हैं जस्ट लॉन्ग आइलैंड के लिए। और दोस्तों आज हवा बहुत ज़्यादा है तो पानी का जो बहाव है वो फ्लो है वो बहुत अप एंड डाउन है, जब पफी टप्पी है, इस वजह से मतलब आज बहुत ज़्यादा है ना डिफिकल्टी आ रही है आज बोट चलने में और चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी तक। सो गाइस वी आर बैक, कैप्टन जैक स्पैरो का जो शिप है वो तैयार है लॉन्ग आइलैंड जाने में, यहाँ से 3-5 मिनट लगने वाले हैं, बाकी हम रेडी हैं और कैप्टन जैक स्पैरो के साथ बने रही मज़ा आ रहा है फिलहाल, क्योंकि अपर डेक और जो फ्रंट डेक में मैं बैठने के लिए मिल रहा है तो उसका एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली हम लॉन्ग आइलैंड हो चुके हैं एंड यहाँ का नज़ारा सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक मैं पिपी घूम के आया हूँ लेकिन ये एक अलग ही लेवल की मज़ेदार जगह है, क्या खूबसूरत जगह है यार सीरियसली, लाइक शायद से अभी थोड़ा आगे की तरफ चलने वाले हैं और हम भी जल्दी ये करेंगे ये जो देख पा रहे हैं ना ऐसे इस जगह पे सामने वाली जगह पे हम उतरेंगे एंड उसके बाद है ना हम लोग भी फ्री में ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। सो दोस्तों उतर चुके हैं यहाँ से अपनी बोट से एंड अभी यहाँ से बैठेंगे जो छोटे छोटे मतलब दो दो पेयर करके बैठना पड़ता है। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं अभी नाव में या जो भी कह लो, आराम से सुकून से सोलो जा रहा हूँ भाई साहब, मज़ा तो बहुत आ रहा है, अकेले घूमने का ये भी मज़ा है कि टेंशन खत्म। से हेलो हेलो आई एम फ्रॉम इंडिया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो दोस्तों अभी यहाँ से चल रहे हैं और ये 15-25 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम लगेगा और ये आपका पैकेज में इंक्लूड रहता है, मतलब आपको अलग से कुछ देना नहीं होता, ये भी एक्सपीरियंस करने को आपको मिलता है। भाई मुझे तो कोई रास्ता यहाँ दिख नहीं रहा, बाय द वे ये बोल रहा है कि रास्ता है तो देखते हैं कहाँ है रास्ता। ओ भाई साहब कितना प्रो है बंदा, सीरियसली भाई ऐसी जगह में से निकाल रहा है, मैं तो ये सोच रहा था यहाँ से निकलेगी भी नहीं यार सच में, मतलब थाईलैंड अगर है तो आइलैंड की वजह से है और थाईलैंड में मतलब खूबसूरती भी है एंड अदर हैंड पे आपको अगर देखना हो पार्टी वगैरह के लिए बियर और ये दारू वगैरह, भाई ये भी है देखने वाले की नज़र होनी चाहिए कि आप देख क्या रहे हो, तो मुझे तो भाई ये खूबसूरती शायद ही कहीं देखने के लिए मिलेगी और जो मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ जो मज़ा ले पा रहा हूँ वो अलग ही लेवल है। व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। गाइज यहाँ से निकल के जस्ट अभी हम आए हैं इससे और चारों तरफ ऐसे बंद है एंड यार और क्या चाहिए, मतलब ये समझ लो ये मेरा ट्रिप रहने वाला है जो ये मैं डे टूर कर रहा हूँ, इसमें मेरे को अराउंड देना पड़ रहा है आपका 1450-3200 के आसपास है एंड ये पूरे दिन में खाना नाश्ता लाना ले जाना सब कुछ है। अगर आपने फीफी आइलैंड का व्लॉग नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, फीफी आइलैंड का व्लॉग मैं आई बटन पे डाल दे रहा हूँ आप जाके देख लो। तो गाइज ऐसे लेट चुके हैं फिलहाल हम और ऐसे निकल रहा है भाई, मैं लेट के निकल रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही ऊपर है भाई साहब, एक एक मोमेंट ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये है ना सटीक है, मतलब सर अगर मैं उठा लूँ ना मैं मुंडी गिरा के लेटा हूँ कसम से बोल रहा हूँ। गाइस हमारे आगे भी 3-4 हैं और जो पानी का फ्लो है यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन है, थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। भाई एकदम से बराबर तक आ रही है कसम से बोल रहा हूँ भाई, मुझे डर लगता है पानी से क्योंकि यार मुझे स्विमिंग आती है नहीं एक्चुअली, बिल्कुल भी नहीं आती और यहाँ पे देख लो जो फ्लोट हो रहा है ना पानी वो इतना डंपी डंपी है ना यार, तो थोड़ा डर लग रहा है भाई, 150 ज़्यादा ले ले लेकिन उतार दिया ऐसा वाला सीन है फिलहाल, बिल्कुल अंदर ही आ गया क्या पानी हो, आने को पूरा तैयार है
दोस्तों चैलेंज तगड़ा है, मतलब ऐसे नहीं खतरों के खिलाड़ी, मैं भी जा सकता हूँ, देख लो ये सीन चल रहा है भैया। बाकी ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं जैसे तैसे करके, देख लो भैया फ्लो कैसे उड़ रहा भाई, डर तो लग रहा कसम से, मैं डरता हूँ बहुत ज़्यादा पानी से। तो गाइज ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं अपनी वापस से डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हमें चलाया गया था, हम उधर से गए थे और वापस से घूम फिर के आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे। बाकी अब उतरते हैं और वक्त हो चला है अभी 12। तो गाइज अभी चलते हैं वापस से अंदर और यहाँ से जाएंगे हम लंच के लिए सीधा। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कोफाई विलेज और ये जितना भी मतलब पूरा गांव है ये पानी में बसा हुआ है। इसका व्लॉग मैं भी बस उतरने के बाद एक अलग व्लॉग बनाने वाला हूँ। और बाकी अब सबसे पहले उतरते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको, लंच वगैरह हमारा यही होने वाला है। तो दोस्तों अभी मैंने लंच कर लिया है और निकलते हैं, अभी हम जाएंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड और दिखाएंगे आपको वहाँ के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे। चलते हैं अभी क्योंकि मेरे बोट का टाइम हो चुका है, तो बस मैं पास में ही और एक दो मिनट में पहुँच जाएंगे सीधे अपने बोट पर और चलेंगे फिर सीधे जेम्स बॉन्ड आइलैंड। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बोट पर वापस और दिस इज़ समथिंग आई फाउंड बहुत क्रेजी है सीरियसली। एक ड्रिंक जो दी है मुझे और ये कॉम्प्लीमेंट दी है, मतलब मुझे फ्री दी है यहाँ के लोकल्स ने। बाकी अंदर चलता हूँ मैं। सो गाइस अभी निकल चुके हैं हम लोग कोफाई विलेज से लंच वगैरह करने के बाद, फाइनली अभी हम जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड यहाँ से और इट्स अबाउट लाइक 15 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से, तो चलने की तैयारी है। और मैं फ़ोन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि है ना थोड़ा बम्पी रहने वाला है, लाइक वाटर फ्लो है वो थोड़ा ज़्यादा साउंडेबल रहेगा एंड इसलिए मैं थोड़ा सा फ़ोन रख दूंगा। अपनी केयर करना पहले, क्योंकि बोट बहुत ज़्यादा छोटी है। तो चलिए रखते हैं और मिलते हैं सीधा जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे आपको। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कोफांग नगर नेशनल पार्क और यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा जेम्स बॉन्ड आइलैंड का नज़ारा। और अभी मैं चलता हूँ अंदर की तरफ, बाकी हवा बहुत ज़्यादा है। अब ये पार्क है बेसिकली पूरा कोफांग नगर करके ऐसा कुछ दिखता है मतलब यहाँ पे, और जेम्स बॉन्ड आइलैंड ये वाला है जो सामने देख पा रहे होंगे आप। तो अभी पहले यहाँ से मतलब कवर करके चल रहे हैं और किसी को अगर केव में जाना है कोफिंग कान ऐसा कोई केव का नाम है, तो अगर आप कोई जाना चाहें तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन केव ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो वी आर गोइंग फॉर जेम्स बॉन्ड आइलैंड, दैट्स द मेन अट्रैक्शन इन दिस टूर। गाइस पहले इस आइलैंड का नाम था खाओ तको और उसके बाद जब से ये मूवी बनी थी 1974 में, और तब से इस जो आइलैंड का नाम जेम्स बॉन्ड पड़ गया है 1974 में एक मूवी बनने के बाद से, और तब से इसे है ना जेम्स बॉन्ड आइलैंड के नाम से ही जानते हैं सभी लोग और ये एक फेमस अट्रैक्शन बन गया है थाईलैंड का अभी फिलहाल के वक्त में। तो दोस्तों अभी हम उधर से जेम्स बॉन्ड आइलैंड से आ चुके हैं और अपनी बैठते हैं बोट में वापस और एक और आइलैंड बचा है इसके बाद, और इसके बाद सीधे जाएंगे घर की तरफ। तो गाइज इस वक्त बज चुके हैं 4:15 और हम आ चुके हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड से यहाँ पर, और यहाँ पर रुकेंगे हम शायद से 50 मिनट के आसपास। और क्या खूबसूरत नज़ारा है मेरे पीछे, सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। बीच अच्छा है, साफ सुथरा है और थोड़ा सा जो मौसम भी है बहुत प्यारा हो रहा है बाय द वे। और अभी यहाँ पर 50 मिनट अपना ऐसी थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, थोड़ा अगर आप चाहें तो स्विमिंग कर सकते हैं बीच पर। मैं तो करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि हमारी ये ट्रिप आज लास्ट होने वाली है, आज इस ट्रिप का अंत होने वाला है, मतलब जो थाईलैंड की ट्रिप है वो आज हमारी एंड हो जाएगी और जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ट्रिप पर कहीं, और जल्दी ही नई ट्रिप पर जाने वाला हूँ मैं बाय द वे। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बाकी अभी आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट ट्रिप पर, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।